हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एलाइसब्लू। मैं हूँ टिफेन गोगोई और आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी का ऊपर। देखेंगे आज कहाँ पे हम बाय और सेल कर सकते हैं। तो इसमें बैंक निफ्टी आप डेली में देख सकते हैं कंटिन्यूअस ऊपर जा रहा है। तो बैंक निफ्टी का आप देख सकते हैं, मैंने एक रेजिस्टेंस लाइन डाला हुआ है अराउंड 27845 में। तो मुझे लगता है मार्केट यहाँ तक जाने का चांसेस है। तो अगर यहाँ तक गया तो यहाँ से फिर से मार्केट नीचे आने का चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लाइन बना के रखा हुआ है यहाँ पे। क्योंकि प्रीवियसली आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 3 सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन ऐड किया, तो एक रेजिस्टेंस लाइन मिला हुआ है। तो मुझे लगता है अगर यहाँ पे भी हम एक डायगोनल रेजिस्टेंस लाइन डालें तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लाइन मिलेगा हम लोग को। तो अगर हमने बाय लिया तो यहाँ तक ही लेना है। अगर इनकेस इसको ब्रेकआउट कर दिया तो इसका ऊपर से हम फिर से बाय जा सकता है, लेकिन यहाँ से हमको जो बाय था ये क्लोज करना चाहिए, क्योंकि मार्केट थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट करके फिर से ऊपर जाने का चांसेस है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे अगर हम एक कनेक्ट करके एक पैरेलल लाइन, तो अगर हम यहाँ पे तो मार्केट एक नीचे आने का एक चांसेस है ये यहाँ पे। तो अगर यहाँ से मार्केट नीचे आने का कोशिश किया तो मुझे लगता है यहाँ तक आ सकता है। तो मूविंग एवरेज में यहाँ पे आसपास आ जाएगा। ठीक है, तो अगर छोटा टाइम पे मैं देख सकता है यहाँ पे जैसे 15 मिनट या 1 आवर, तो देख सकते हैं कंटिन्यूअस मार्केट परफेक्टली जा रहा है एक मूविंग एवरेज को एक सपोर्टिंग लेके। तो और यहाँ पे देखे तो थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट करना चाहिए, लेकिन रिट्रेसमेंट करने से पहले मुझे लगता है थोड़ा एक हायर हाई बना के फिर से एक हायर हाई बना के मार्केट नीचे आ सकता है। क्या क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो ये पॉइंट रहता है तो मार्केट क्या करता है, एक नया हाई बना के ले लेता है। तो जो ट्रेडर रहता है तो ट्रेडर सोचता है ये ब्रेकआउट किया हुआ और मार्केट नीचे जाएगा, और फिर से मार्केट नीचे आने का होता है। क्यों होता है, जब एक रेजिस्टेंस लेवल होता है तो रेजिस्टेंस लेवल में होता है, ऑलमोस्ट ऐसा ही होता रहता है। तो आप देखें तो प्रीवियसली आप देख सकते हैं जैसे ये हायर था, राइट, तो यहाँ पे एक नया हाई बनाया, मार्केट नीचे आ गया, राइट। यहाँ पे देख सकते हैं आप मार्केट थोड़ा हायर बनाया, नीचे आ गया, तो नीचे हाई बनाया, जो जितना SL लगाता है तो SL हिट करके चला जाता है। तो ये भी इधर भी थोड़ा हो सकता है, तो यहाँ पे हमें हायर पॉइंट मिला तो ये नया हाई बनाएगा। तो ट्रेडर लोग सोचता है यहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट किया ऊपर जाएगा और SL नीचे लगेगा, तो SL हिट कर देता है। तो इसलिए आपको बाय लेना है तो जो रिट्रेसमेंट होता है तभी लेना है, और ये जो नया हाई जो रेजिस्टेंस लेवल है वहाँ पे मार्केट आपको पोजीशन क्लोज कर देना चाहिए। तो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।